तो आज हम रिपेयर करेंगे ये सिस्का का HE4700 ब्लूटूथ हेडफोन। और इस ब्लूटूथ हेडफोन में जो राइट साइड का स्पीकर है इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रही है, इसमें यही फॉल्ट है। तो चलिए पहले एक बार इसकी टेस्टिंग में आपको दिखा देता हूँ, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसमें जो LED लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, फ्लैश ऑफ करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और अब इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मॉडल नंबर है ये भी आ गया है, सिस्का HE4700। इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक कोई ऑडियो प्ले कर लेते हैं। तो ऑडियो को हमने प्ले कर लिया है। अब इसका जो साउंड है वो आप सुनिए, यहाँ पर इस वाले स्पीकर में साउंड आ रहा है और इस वाले स्पीकर में कोई भी साउंड नहीं आ रही है, देखिए आप यहाँ पर। तो इस ब्लूटूथ नेगमेंट की इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए पावर ऑफ हो गया है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, स्पीकर साइड एरिया है पहले इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हमने ओपन कर लिया है। और अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका ये जो स्पीकर है, स्पीकर की ये जो PCB है, इस यहाँ से ये जो PCB है ये PCB पूरी उखड़ गई है, देखिए। ये देखिए PCB उखड़ जाने की वजह से स्पीकर ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वायर खींचने के वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम हुई होगी। तो चलिए इसका जो स्पीकर है पहले से हम ओपन करेंगे। देखिए स्पीकर को हमने ओपन कर लिया है यहाँ पर, देखिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कई बार होता क्या है कि जो स्पीकर्स हैं स्पीकर को हमें रिप्लेस करना होता है, बट कई बार स्पीकर अलग अलग होने की वजह से साउंड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसका ये जो स्पीकर है इसका स्पीकर बनाने की कोशिश करेंगे, यदि ये बन जाता है तो ठीक है, वरना हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ देखिए पहले इसकी ये जो ग्लू है, यहाँ पर ग्लू को हमें करना है क्लीन। और इसकी ये जो ग्लू है इसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर पेट्रोल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों ग्लू को क्लीन करने के बाद आप देखिए, यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसके जो तार हैं ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए काफ़ी बारीक तार हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इन तार को उस PCB पर हमें सोल्डरिंग करना होगा। तो इसका कैप हम निकालेंगे, ऊपर का जो कैप है ये देखिए, ये देखिए देखिए कॉइल को हमने निकाल दिया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है, इसके जो दोनों तार हैं तार यहाँ पर छोटे बड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो तार है तारों को हमें इस टाइप से यहाँ पर खींच के थोड़ा निकालना है कॉइल के अंदर से, ये देखिए इस तरह से जो तार है ये निकल जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पर जो दोनों तार हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ में हमें मिल गए हैं, ये देख ही पा रहे होंगे आप यहाँ पर। और इसके बाद क्या करना है, वापस इस कॉइल को हमें इसका ये जो मैग्नेट है इसके मैग्नेट पर वापस फिक्स कर देना है कुछ इस तरह से, देखिए आप। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए जो दोनों तार हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ में हमको मिल गए हैं, और जो कॉइल है कॉइल को भी मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से फिक्स कर दिया है इसका ये जो मैग्नेट है इस पर। और इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करनी है वो आप देखिए। तो यहाँ इसकी ये जो PCB है इस PCB को हमें करना है पहले डिसोल्ड। इस PCB को डिसोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस PCB पर भी जो ग्लू है वो लगी हुई है, तो पहले इस ग्लू को हमें करना है रिमूव। यहाँ देखिए अब इस PCB पर जो ग्लू लगी हुई थी इसको हमने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप अब हमें क्या करनी है, ये जो स्पीकर है इस स्पीकर पर पहले इस PCB को हमें यहाँ पर फिक्स कर देना है। चलिए कर देते हैं पहले हम इसको फिक्स।
ताकि सोल्डरिंग करते वक्त ये जो पीसीबी है ये कहीं निकले नहीं। और इसको फिक्स करने के लिए आप देखिए यहाँ पर जो इंस्टेंट ग्लू है उसका यूज़ हम करेंगे, ताकि जो पीसीबी है वो अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो सके। देखिए पीसीबी यहाँ पर फिक्स हो गई है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और अब इसके जो वायर्स हैं यहाँ पर, ये जो दोनों वायर्स हैं इनको हमें इस पीसीबी पर सोल्डिंग कर लेना है। चलिए कर लेते हैं वो भी हम। तो यहाँ देखिए आप जो वायर है, वायर को हमने सोल्डिंग कर दिया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। ये देखिए वायर को सोल्डिंग करने के बाद अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर करनी है, वो ये है कि इसका जो स्पीकर को टेस्ट करेंगे स्पीकर वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो स्पीकर है अब यहाँ पर वर्क करने लगा है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो स्पीकर की टेस्टिंग भी हमने कर ली है। अब इस स्पीकर के वायर सोल्डरिंग करने से पहले हमें एक काम और करना है, इसमें यहाँ पर जो बॉन्ड ग्रिप है बॉन्ड ग्रिप डाल देनी है इसके वायर के पास में। देखिए आप कुछ इस तरह से, ये देखिए, ताकि जो वायर्स हैं वो यहाँ पर फिक्स हो सकें अच्छे से और निकले नहीं। तो चलिए बॉन्ड ग्रिप भी हमने लगा दी है। और अब इसके बाद क्या करना है, जो वायर्स हैं वायर्स को पहले जैसा सोल्डरिंग कर देना है। चलिए ये भी हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए स्पीकर पर जो वायर्स हैं वायर्स को सोल्डरिंग कर दिया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो स्पीकर है, स्पीकर की फिटिंग हमने कर दी है, अब ये रिपेयर होके कंप्लीट हो गया है। चलिए तो इसकी जो टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो साउंड है साउंड को मैं एक बार और प्ले कर लेता हूँ। देखिए आप, तो इस तरह से दोस्तों हमने ये जो सिस्का का HE4700 नेगवेंड है इसको हमने रिपेयर कर लिया है। यदि आपके पास भी इस टाइप का सेम ब्लूटूथ हेडफोन हो और उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आए, तो आप एक बार इसका जो स्पीकर है स्पीकर को जरूर चेक करें। कई बार होता क्या है कि इसके जो स्पीकर्स हैं स्पीकर्स के वायर ब्रेक होने की वजह से भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आपके ब्लूटूथ हेडफोन में आ सकती है। उम्मीद करता हूँ जो आपको जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।